क्यों कूदे जहाज से, ये सोचकर बंदों को पड़ेगा रोना। दिल चोर भाई को अगर खरोच भी आई तो चमकती पेटियों से चमकेगा पोचिंकी का हर एक कोना। क्या आज तोड़ पाएंगे पहले वाला रिकॉर्ड, ये देखे बिना भाई कोई भी मत सोना। रे भाई किल चोरे, पोचिंकी में लगा दो ऐसी आग कि बंदा देख कर जाए भाग। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों, तो भाइयों आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आज हम पोचिंकी में भाई बिल्कुल तबाही मचाने वाले हैं। तो हम जो भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, लेकिन आप ये समझो कि भाई ये जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड होने वाला आज, क्योंकि भाई जाते ही हमारे दिल चोर भाई को कोई लपेट देता है। मुझे पीपी मिल गई थी भाई और वहां पर दिल चोर भाई का लट बजा हुआ था। हे चुन्नू मुन्नू, मारूंगा ऐसे कि पैर में आ जाएगी मोच, दिल चोर भाई को नहीं आनी चाहिए खरोच। दिल चोर भाई को पूरा टपकाएगा तू। अब ये दोनों के दोनों चुन्नू मुन्नू भाई दिल चोर भाई पर इस तरह से टूट पड़े भाई नोक होने के बाद, जैसे तो आज इनसे भाई कोई पहली बार नोक हुआ है। तो भाई इन्होंने जो उनको पूरा टपका दिया। अब मैं रह गया था भाई अकेला। क्यों डरता है भाई किल चोर, ना देना आज किसी को भी माफी, कोचिंग की में सबका मोर बनाने के लिए तू अकेला ही है काफी। लाइक ठोको भाई लाइक। अरे भाई किल चोर, पेटियां चमकाने आए हो या इस घर के साथ साथ फेरे लेने आए हो? नोटी बॉय कितना भगाता है। अब इस भाई ने जो भाई मुझे बहुत ज्यादा भगाया, तो इसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलकर भाई मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। भाई किल चोर बहुत तेज बने हैं। अब आज भाई किसी ने ना ऑल पर ये बोल दिया था कि जो भी पोचिंग की है भाई लास्ट तक बचेगा उसकी बोटनी के साथ शादी करवा देंगे। तो इसलिए भाई यहाँ पर ना बहुत सारे बंदे आ गए थे और हर जगह जो भाई लठ बजा हुआ था बंदों का। अब इन तीनों चुन्नू मुन्नू टुन्नू की तो भाई हमने पेटियां चमका दी थी। मैं तो भाई यहाँ पर वैसे ही आया था घूमने भाई, सोचा कि इनकी पेटियां चमकाता निकल जाऊं। और आज ना भाई बंदे ना सभी के सभी भाई बोटनी से शादी करने के लिए भाई पोचिंग की में बिल्कुल लठ बजाए हुए थे भाई, ताकि वो बचकर निकल जाए यहाँ से और बोटनी से रिश्ता हो जाए उनका। भाई किल चोरे बहुत तेज बने हैं। तो ये सब तो भाई मैं वैसे ही बोल देता हूँ जिससे कि आपको 50-100 ग्राम भाई मजा ज्यादा ही आ जाए। अब ये देखो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक सुतड़ी बम फेंक रहा था लेकिन भाई कोई एंगल नहीं मिला। लेकिन अब ये देखो भाई ओम बट स्वान नेड से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। मजा आया भाई, अब इससे भी ज्यादा मजा आएगा ये देखो। ओम बट स्वान नेड से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। भाई किल चोरे अब की बार तो दो मार गया। अब ये है आम जिंदगी और ये है हराम जिंदगी। तो यहाँ पर भाई मेरी जो है बिल्कुल मौज हो गई थी, तो भी ऊपर एक बंदा और था। अब दिल चोर भाई को टपकाने वालों का गुस्सा भाई मैं इन चुन्नू मुन्नू की पेटियां चमका कर उतार देता हूं। तो यहां पर भाई बिल्कुल ना मेरी बल्ले बल्ले हो गई थी भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया था। ऊपर जो दो टीम की फाइट चली हुई थी भाई और नोक किसी और ने किए थे, और भाई मैंने सुतड़ी बम फेंक फेंक के भाई यहां पर जो है तीन किल निकाल लिए। तो अभी जो है इस साइड भी भाई कुछ बंदे थे, तो मैं स्क्वाड हाउस में आ जाता हूँ भाई उन बंदों को ढूंढते ढूंढते, और यहाँ पर भाई हमारे जो है 12 किल हो गए थे। तो मौज हो गई थी भाई बिल्कुल। अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो आज पुराने हो जाओ भाई करके ऐसी तैसी सब्सक्राइब के बटन की, किल चोर की वीडियो में खो जाओ। अब मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था भाई इस भाई की पेटी चमकाने का। भाई किल चोर, तुम्हारा इतना दिल क्यों करता है पेटियां चमकाने का? पता नहीं भाई क्यों, पर अब तो आदत सी हो गई है पेटियां चमकाने की। चल झूठा।
अब उस बंदे को तो नहीं टपका पाया भाई, लेकिन ये टीम आ गई यहाँ पर, तो पहले इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। नोटी बॉय भाग रहा था। किलचोर नाम है अपना भाई, इरेंगल के हर कोने में मचाई है हमने तबाही। अच्छा भाई, तो भाई इन तीनों चुन्नू मुन्नू टुन्नू की तो भाई पेटियां चमक गई थी, और इनके पास ना भाई मुझे बहुत ही मस्त लूट मिल गई थी, तो भाई बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई थी। और अब फिर भाई मैं आ जाता उस बंदे को टपकाने के लिए, लेकिन भाई ये बंदा ना शायद कहीं और उड़ गया था। और इस एक बंदे के चक्कर में भाई किलचोर तूने बहुत सारे मासूम बंदों को लपेट दिया। तो अब मुझे एक बंदा और दिखा भाई, वो तो दिख नहीं रहा था, तो पहले इसी को लपेट लेते हैं। अब ये बंदा जो भाई सामने वाले घर में जाकर घुस गया था भाई किलचोर, पीट देना इसको जाकर। अभी रेंगल की सरकार ने बोल दिया भाई कि बंदों को देखकर भागना ना गैर कानूनी काम है, और ये फिर भी भाई पता नहीं ऐसे ऐसे काम क्यों करते हैं भाई, बंदों को देखकर जो है 9-2-11 होने की सोचते हैं। तो इसकी भाई मैं पेटी चमका कर आ जाता हूँ भाई फिर से यहीं पर उस बंदे की पेटी चमकाने के लिए, क्योंकि भाई मेरा जो है दिल धक 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 कर रहा था भाई कि इसकी पेटी चमका दे, लेकिन भाई ये बंदा ना यहाँ से 9-2-11 हो गया था। वैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई बंदा अभी भी है, तो हमारे यहाँ पर 16 किल हो गए थे, और हमारा जो पहले रिकॉर्ड है भाई पोचिंग की में वो है शायद भाई 21-22 किल का। तो मैं सोच रहा था कि भाई आज वो किल रिकॉर्ड जो है टूट जाएगा, लेकिन देखते कि भाई टूटेगा भी या नहीं। तो यहाँ पर भाई मुझे यही बंदा दिखा, इसको भी मैं लपेट देता हूँ, और हमारे यहाँ पर हो गए थे भाई 17 किल। अब मैं यहाँ पर भाई कुछ देर ना वेट करता हूँ कि कोई बंदा आ जाए ताकि भाई हम अपना जो है पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ सके। तो यहाँ पर भाई मैं थोड़ा सा इमोट भी कर देता हूँ ताकि कोई देखे ना तो उनमें आग लग जाए भाई, क्योंकि हमारे में भी लग जाती है जब कोई हमें टपका कर करता है। तो अब यहाँ पर भाई हमें ना कोई भी बंदे नहीं दिखे, तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था भाई, तो उसी टाइम ना एक बंदे ने भाई बहुत ही ज्यादा चालू बनकर दिखाया। अब मुझे तो सब पता है कि भाई ये बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इनको नहीं पता कि किलचोर इनसे भी ज्यादा चालू है। अभी ये भाई साहब जो है यहाँ पर बोट फायर करने लग रहा था, तो इसका बोट तो हम बनाएंगे भाई। अब मैं एक सुतड़ी बम फेंकता हूँ, लेकिन भाई इससे ये फटा ही नहीं, तो मेरा हो गया भाई 400 रुपये का नुकसान। अब एक और सुतड़ी बम फेंकता हूँ जो कि ऊपर छत पर लगा भाई, तो यहीं पर फट गया, तो मेरा 400 रुपये का और नुकसान हो गया। सो सैड भाई किलचोर, सो सैड। अभी इस भाई ने जो भाई सामने टीपीपी ले ली थी और मैं अकेला ही था भाई, तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर दिलचोर भाई मेरे साथ होते तो मैं घुस जाता भाई ऐसे ही, लेकिन अब मैं अकेला था, और जब भी भाई कोई टीपीपी लेकर ऐसे खड़ा होना तो ज्यादा चांस रहता है कि भाई अगले वाला बंदा आपको टपका देगा इजिली। तो आप भाई कोशिश क्या करो कि जब कोई अगले वाला बंदा भाई टीपीपी ले ले तो आप वहां पर अकेले ना घुसो भाई, अगर थोड़ा सा भी अच्छा खेलता होगा ना बंदा तो टपका देगा। तो अभी ये बंदा जो भाई यहाँ पर अगर बैठ गया तो, और मेरे पास भाई कोई भी सुतड़ी बम नहीं था, नहीं तो भाई अब इसकी पेटी से यहीं पर हरा धुआं उठ जाता। लेकिन अब इसको ना भाई हम बहुत ही ज़्यादा कमाल की ट्रिक से टपकाने वाले हैं, जिसे देखकर ना भाई आपका मन करेगा कि हम नागिन डांस करें। तो अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी सुतड़ी बम नहीं था, अब इसे देखो भाई कैसे टपकाने वाला हूँ मैं। अभी ये वही बंदा था भाई जिसकी कुछ देर पहले सांस से चलने लग रही थी, और भाई ये ना बोट बनकर दिखाने लग रहा था, तो इसके साथ तो भाई बहुत ही ज्यादा गलत हो गया, इसके होश उड़ गए होंगे कि भाई बंदा आया कहाँ से। तो उनको टपका कर भाई मैं निकल जाता हूँ पोचिंग की से, और वहां पर भाई मुझे और कोई नहीं दिखा, तो 18 ही किल हुए थे। और आज हमारी किस्मत खराब थी भाई कि मुझे ना कोई भी गाड़ी नहीं मिली, तो मुझे ना भाई पैदल ही आना पड़ा यहाँ तक, जिसकी वजह से भाई मेरा ग्लूकोज डी भी खत्म हो गया था। और यहाँ पर जो सर्कल बना था ना भाई वो बहुत ही खतरनाक तरीके से बना था, मतलब कि भाई दोनों ब्रिज पर भाई ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने ब्रिज कैंप कर लिया हो, तो भाई मैं पानी में तैरता भाई चला जाता हूँ ना नूकर भाई निकल जाता हूँ। और थक गया था भाई इसलिए मैं 2 घूंट मार लेता हूँ एनर्जी ड्रिंक की।
तो सामने भाई एक छोटा हाथी खड़ा था भाई। अब यहाँ पर जो बंदे हो सकते हैं, तो सर्कल के बीच में भाई ये कुछ घर थे, तो मैं पहले यहीं पर आ जाता हूँ भाई और लग जाता हूँ भाई बंदे ढूंढने। तो मुझे यहाँ पर तो कोई नहीं दिखा। अब ये वे बंदे हैं भाई जो अभी तक भी ना कच्ची में ही कर देते हैं काम। और देखो इनके नाम, तो इस भाई ने नाम रखने की कोशिश की होगी सबका बाप, लेकिन भाई इसने रख दिया सक बका बाप। भाई ये के ना गलती से डाल दिया इसने, अब गलती से डाला या इसको स्पेलिंग ही नहीं आती थी भाई, पता नहीं सक बका बाप। चलो जो भी है भाई छोड़ो, ये तो टपक गया था। अब मैं इसके टीममेट को ढूंढने लग रहा था भाई जो मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ से अपनी ये बग्गी उठाता हूँ भाई और 9:11 हो जाता हूँ भाई सर्कल में, क्योंकि सर्कल जो है आगे बढ़ गया था। और अब मैं आ जाता हूँ भाई आगे। अब यहाँ से भाई मैं बंदों को ढूंढने लग रहा था, तो मुझे सामने जो भाई पेड़ के पास एक बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर भाई इतने अच्छे गेम प्ले की ना ऐसी तैसी हो गई भाई, क्योंकि सर्कल जो है बिल्कुल ओपन में था। अगर किसी घर में होता ना तो अच्छा था भाई, मैं वहां पर अच्छे से फाइट ले सकता था, लेकिन भाई यहाँ पर ओपन में फंस गया। एक को तो नॉक कर दिया था भाई, और पीछे से ना मुझे भाई कोई और डैमेज देने लग रहा था, तो मैं बिल्कुल फंस चुका था भाई। आगे भी बंदे थे भाई और पीछे से भी भाई फायर होने लग रही थी, और कवर की भाई कोई भी जगह नहीं थी, तो ये दो ही बंदे थे। तो भाई अब क्या करे भाई, जो हो गया हो गया। वैसे उम्मीद है आपको आज की इस गेम प्ले में 800-900 किलो मजा आ गया होगा भाई, और पोचिंग की फाइट देखकर भाई बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा। तब भाई अब सांस भी ले ले किलचोर भाई।